आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 3D रेफरेंस निकालना सीख रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 2010 की सीट है, जिसमें कुछ स्टूडेंट के नाम, उनके सब्जेक्ट के नंबर एवं टोटल शो हो रहा है। 2011 की सीट है, इसमें वही स्टूडेंट के नाम, उनके सब्जेक्ट के नंबर एवं टोटल शो हो रहा है। 2012 की सीट है, इसमें उन्हीं स्टूडेंट के नाम, सब्जेक्ट के नंबर एवं टोटल शो हो रहा है। हमारा क्वेश्चन है कि हमारी जो टोटल की सीट है, इसमें तीनों साल के स्टूडेंटों के नंबर हर सब्जेक्ट के अलग अलग शो हों, ये हम यहाँ निकालना सीख रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी टोटल की सीट पे गए, यहाँ पे हमने लगाया इक्वल साइन। अब हम गए अपनी 2010 की सीट में, यहाँ हमें हिंदी के नंबर लेना है, तो हमने इसमें सिलेक्ट किया, प्लस लगाएंगे। 2011 की सीट में गए, यहाँ भी हमें हिंदी के नंबर लेना है, हिंदी के नंबर सिलेक्ट किए, प्लस। 2012 की सीट पे गए, यहाँ भी हमें हिंदी के नंबर लेना है, हमने ये नंबर सिलेक्ट किए, और हम जैसे ही इंटर करते हैं, आप देखोगे कि टोटल की सीट में इन तीनों साल के टोटल शो होने लगे। अब हम इसको ड्रैग कर रहे हैं, आप देखोगे कि सब स्टूडेंट के तीनों साल के हर सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे शो हो रहे हैं।